नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और इस वक्त पंकज मिश्रा को कोतवाली थाना लेकर के आई है ईडी की पूरी टीम ने। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साथ सुबह से ही ईडी की पूछताछ चल रही थी। लगभग 8 घंटे के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको मेडिकल चेकअप के बाद यहां कोतवाली थाना लेकर के ईडी की टीम पहुंची है। और ये दृश्य जो आप अभी देख रहे हैं, पंकज मिश्रा को यहां से ईडी के जो टीम है वो लेकर के अंदर जा रही है। ये दृश्य कोतवाली थाना का है और आप देख सकते हैं कि 3 गाड़ियों से ईडी की जो टीम है वो पहुँची और यहाँ पर पूरी तरीके से जितने भी CRPF जवान हैं वो भी यहाँ पे तैनात है। सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कोतवाली थाना की, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि पंकज मिश्रा यहाँ पर ईडी की टीम जो है वो लेकर के पहुँच चुकी है। और ये पूरा दृश्य जो है वो आप देख सकते हैं कि जो CRPF की टीम है वो पंकज मिश्रा का हाथ पकड़ के अंदर लेकर के जा रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी सूचना आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पंकज मिश्रा को मेडिकल चेकअप के बाद कोतवाली थाना लेकर के आई है ईडी की टीम। अब माना यह जा रहा है कि यहां से अब कल इनकी जो है वो पेशी होगी कोर्ट में। अब देखना ये होगा, क्योंकि पहले जो सूचना मिल रही थी कि मेडिकल चेकअप के बाद वो जज कॉलोनी जाएंगे, उनकी पेशी होगी वहाँ पर ईडी कोर्ट में, तो वो ना होकर के अभी यहाँ पर कोतवाली थाना में उनकी यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं। ईडी की टीम उनको लेकर के पहुंची। अब माना यही जा रहा है कि कल ईडी कोर्ट में उनकी पेशी होगी। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।